जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव और आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल, जो कि हर धावक का सबसे फेवरेट चैनल बन चुका है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन होती है उसे बजाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, हम तो आखिर आर्मी का फिजिकल करवाते हैं, लेकिन अभी एमपी के अंदर जेएल प्रेडी का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, जेएल प्रेडी का रिजल्ट आ चुका है। तो जेएल प्रेडी के अंदर एक इवेंट है जिसे शॉर्ट पुट बोलते हैं, गोला फेंक, ठीक है दोस्तों। तो गोला फेंक आज हम बताएंगे आपको कि गोलों को किस तरीके से फेंका जाता है। गोला एक स्किल होती है, पहले तो एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि किसी ने शॉर्ट फुट, इसका जो नाम है शॉर्ट फुट है, शॉर्ट फुट थ्रो गलत रख दिया गया। हम किसी भी लाइट वेट को थ्रो कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट को रिस्ट से थ्रो कर सकते हैं, लेकिन गोले को थ्रो नहीं कर सकते हैं। जेबलिंग थ्रो होता है, शॉर्ट फुट थ्रो नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट फुट होता है। इसको हमेशा थ्रो नहीं किया जाता है, इसे रिलीज किया जाता है। पहली चीज, हर चीज में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि क्या आप गलतियां करते हैं, किस कारण से आपको इंजरीज आ जाती है हाथों के अंदर। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इजीली आप ये जो पैरामीटर्स है आपके जेएल प्रहरी एसआई और कांस्टेबल के अंदर जो भी शॉर्ट पुट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं दो चीज से। गोला फेंकने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए, या तो फिर आपके या तो ताकत हो आपके पास, या फिर आपके पास टेक्निक्स हो। हम ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता कि इंडिया के अंदर किसके अंदर कितनी ताकत होगी, मैं टेक्निक्स की बात करूंगा कि टेक्निक के अंदर क्या होता है। तो गोले की टेक्निक जो रहती है वो मैं बताना स्टार्ट करता हूं आपको। दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं रिस्ट, तीन चीजों में डिवाइड कर देते हैं अपने हाथों को, क्योंकि गोला कहीं ना कहीं हमें रिलीज करना है, फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फेंकेंगे तो रिस्ट आपकी बैंड हो जाएगी, एल्बो बैंड हो सकती है और आपके शोल्डर्स के अंदर क्रैम्प आ सकता है। तो हम जब गोला रिलीज करेंगे तो इसमें हमें कॉमनली क्या ध्यान रखना है, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है वो बता देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले जो भी एक गोला होता है, आप जो गोला शॉर्ट पुट जो इवेंट है आपका जेल प्रेडी के अंदर या फिर कांस्टेबल के अंदर या फिर एसआई के अंदर, जब भी गोला नया होता है, फ्रेश होता है और एक बार जमीन पर गिर जाता है, ऐसे जमीन पर अगर गिर जाता है तो उसके अंदर आसानी से ग्रिप बन जाती है। यानी कि आपको सबसे पहले गोले के अंदर ग्रिप तलाशना है, हर गोले के अंदर, देखो इस गोले के अंदर ग्रिप बनी हुई है, ये ग्रिप बनी हुई है, तो ऐसे गोले को ग्रिप बनाना है, ग्रिप की पकड़ रखना है, ताकि आपकी ग्रिप अगर सही से पकड़ में आएगी तो ये जो फिसलने वाला मैटर होता है हाथ से और आपका रिस्ट बेंड होने का मैटर होता है, ये आपकी कम होगी और आप आसानी से गोले को आसानी से फेंक पाएंगे। पहला आपको ध्यान रखना है, पहला जो रूल है इसका, गोले के अंदर आपकी जो ग्रिप होती है, हैंड ग्रिप, अगर आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो आप गोले को आसानी से अच्छी तरीके से फेंक पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, हम बॉल जब फेंकते हैं तो बॉल की भी एक स्किल होती है, जब बॉल डालते हैं तो उसे फिंगर्स के अंदर दबोचा जाता है, मतलब पकड़ा जाता है अच्छे से, ताकि वो ग्रिप बना के अच्छे से स्विंग कर पाए। इसलिए गोले का भी एक ग्रिप रहता है, पहला आपको ग्रिप तलाश करना है कि ग्रिप गोले के अंदर कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग उसको पकड़ना है। अब सेकंड मैटर आता है आपका रिस्ट, गोले को अपन रख देते हैं, रिस्ट आता है, रिस्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है गोला फेंकने में। अब गोले को आपको रिलीज करना है, हमेशा गोला फेंका नहीं जाता है, फेंकूंगा तो हो सकता है रिस्ट का, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैंने रिस्ट के थ्रू इसे फेंका तो ये रिस्ट का मैंने जैसे ही सपोर्ट दिया तो हो सकता है रिस्ट आपकी बैंड हो जाए, यानी कि रिस्ट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंजरी आने का खतरा रह सकता है। और एक बार अगर रिस्ट बैंड हुई आपकी तो हो सकता है एक महीने का आपको रेस्ट लेना पड़े। रिस्ट के बाद नंबर आता है एल्बो का। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि गोला फेंका नहीं जाता है, बॉल फेंकी जाती है। तो हम जब किसी भी चीज़ को लाइट वेट को, जैसे कि लाइट वेट है, अब अगर एक एग्जांपल देता हूँ, ये पत्थर है, पत्थर को मेरे को फेंकना है तो फेंकूंगा तो दोनों चीज, रिस्ट सपोर्ट लूंगा, एल्बो सपोर्ट लूंगा, उसके बाद शोल्डर्स का नंबर आएगा, तो इसे हम तोड़ के फेंक सकते हैं। ये बात ध्यान रखें आप कि छोटी चीज को, कम वेट वाली को हम तोड़ के फेंक सकते हैं, वो ज्यादा दूरी पे फेंक सकते हैं, लेकिन गोले के अंदर वेट होता है इसे फेंका नहीं जा सकता है। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब आपका एल्बो का जो पॉइंट आना है, एल्बो में आप ध्यान रखें कि आपकी एल्बो, आपको इसे ट्विस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, मतलब तोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी और फेंकना नहीं है, आपको रिलीज करना है। सेकंड थर्ड जो आपका नंबर आता है शोल्डर्स का, शोल्डर्स के अंदर आपके पावर, अगर शोल्डर्स के अंदर अगर आपके पावर होगी तो ही आप गोला फेंक पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कि गोला किस प्रकार पकड़ा जाए, किस प्रकार रिस्ट नहीं बेंड हो, हमारी एल्बो का कैसे ध्यान रखना है और इसे फेंकने के तीन टेक्निक्स आसान कौन से हैं जिससे आप आसानी से आपका गोला, मतलब कि शॉर्ट पुट जो होता है वो आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बेसिक स्टेप होता है इसका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सर, तो पीछे होके बता रहे ये मैंने शॉर्ट फुट उठाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने पहली चीज बताई आपको, इसे पकड़ना है। अब हम बात करते हैं एंगल की,
कि क्या एंगल इसके अंदर आना चाहिए, तो एंगल बॉडी का जो कर्व रहता है, पास आके बता दे भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। देखो हम स्टार्ट फर्स्ट स्टेप से करते हैं, थ्री स्टेप में आपका हर किसी भी प्रकार का किसी भी इवेंट के अंदर थ्री स्टेप है। इंटरनेशनल इवेंट में जो स्टेप रहती है वो भी मैं बता दूंगा आपको कि क्या स्टेप रहती है, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पैर को करीब रखना है लाइन के ताकि आपका आगे वाला डिस्टेंस कम रहे। अब इसको उठाना है, थोड़ा सा पीछे लेके जाना है और अपनी बॉडी को थोड़ा सा कर्व करना है ऐसे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना आपको, ज़्यादा घूमना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कर्व। देखो मैंने थोड़ा सा कर्व किया है, अब मैं गोले की ग्रिप देखता हूँ कि गोले के अंदर क्या ग्रिप है मेरे। ये गोले की ग्रिप मैंने तलाश ली है, ये मैंने गोले की ग्रिप बना ली, ये अंदर से ये ग्रिप बन गई है इसकी। अब थोड़ा सा मूव करूंगा, अगला जो पार्ट आता है आपका कि कई लोग हाथ को चिपका लेते हैं ऐसे, तो आपने अगर हाथ चिपका लिया तो आप गलत कर रहे हैं। आपका जो पार्ट रहेगा सेकंड, जो बैक साइड जिस हाथ में आप गोला पकड़ेंगे वो 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, नहीं 90 डिग्री के एंगल में नहीं, सीधा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डाउन पे रहेगा तो आप इतनी ताकत इतना रिलीज नहीं कर पाएंगे, इसे आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। अगर मैं ऐसे करके इसे ऐसे छोड़ूं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, फेंक भैया फिर से रिटर्न। लेकिन अगर मेरा हाथ पूरा 90 डिग्री पे होगा तो हो सकता है मैं इसे अच्छे तरीके से रिलीज कर पाऊँ। तो मैं आपको बेसिक स्टेप छोटी स्टेप करके बताता हूँ। पहले स्टेप जो मैंने बताई आपको कि फर्स्ट है हमारा ऐसे पैर रखना है, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ा सा कर्व रखना है। सेकेंड आपका जो हाथ है वो 90 डिग्री पे आएगा। अब ये जो आपका अगले वाला सामने वाला जो हाथ है ये आपकी हाइट मेंटेन करेगा, यानी कि अगर इस हाथ की इसका हाथ का बैलेंस जितना ऊपर होगा आप गोले को उतनी ऊंचाई दे पाएंगे, अगर ये डाउन पे रहेगा उतना ही गोला डाउन पे जाएगा। तो बताता हूँ आपको मैं कि ये मैंने डाउन किया थोड़ा सा और थोड़े से लेके ये ऐसे छोड़ दिया, ये आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, मतलब कि आप 16, 17, 18, 20, 22 मीटर आसानी से देख पाएंगे इस गोले को। अब सेकंड आपको फर्स्ट स्टेप बता चुका हूँ मैं, सेकंड स्टेप बताता हूँ मैं आपको कि सेकंड स्टेप कैसे लेते हैं। सेकंड स्टेप में आपके ये जो गोले को दो पार्ट में हमने बांटा है ये सेकंड स्टेप पे काम आता है, अगर आप स्टेप सीख रहे हैं गोले की। तो अब स्टेप सीखने में सबसे जनरल बात होती है कि सब क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के अंदर अगर ओवर पिच बॉल मिल जाती है, तो मैं आपको करके बताता हूँ कि अगर ओवर पिच मिलती है यहाँ पर हम क्रिकेट की पोजीशन पे, ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ क्या कि आपके फुटवर्क चले, अगर आपके फुटवर्क चलेंगे तभी आप स्टेप कर पाएंगे सेकंड। तो आपको फुटवर्क में कैसे क्या करना है कि जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें ओवर पिच मिलती है वहाँ, तो हम पैर ऐसे बढ़ाएंगे, सेम यही गोले का रूल्स होता है कि हमें लेग का मूवमेंट सेकेंड स्टेप में कैसे रखना है। ये मेरा हाफ मूवमेंट है, थोड़ा पीछे हो जाना, हो सकता है ज़्यादा फिक्र, थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा पीछे हो जाओ। ये मेरा सेकंड स्टेप है, ये मैंने उठाया और यहाँ से नहीं ये मैं कंप्लीट कर दूं, बता दूं थर्ड स्टेप फाइनल स्टेप, उसके बाद तू फाइनल पीछे चला जाना, उसके बाद गोला देखते कितना जाता है, ठीक है। तो लास्ट फाइनल स्टेप इसमें आपके थ्री स्टेप है, मतलब कि आप जब थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं तो थर्ड स्टेप में थ्री टाइप से आप कर सकते हैं। थ्री स्टेप पे आप कैसे वर्क करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। ये फाइनल स्टेप होती है दोस्तों, और ये इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है, मैं दो प्रकार से फेंक सकता हूँ, या तो राउंड में या तो हम राउंड बना के फेंकें इसे जो ये रहता है अपना घूम कर, या फिर एक और दो स्टेप से बताऊंगा, एक तो इंटरनेशनल स्टेप और एक जो नॉर्मल स्टेप है थर्ड स्टेप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको फेंका जाता है, कैसे रिलीज किया जाता है। तो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में वही करना आपको, जो गोले का आधा हिस्सा है उसको कर्व लेना है ऐसा, थोड़ा पीछे हो जाना, आप तो पीछे चला जाओ भैया, थोड़ा पीछे चला जाओ, तो दोस्तों कुछ समझ ही गए होंगे आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप तीनों करके कि तीनों स्टेप में कैसा क्या गोला इम्प्रूव होता है। हर स्टेप में आपका गोला इम्प्रूव होगा, यानी कि आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी। कैसे देखिए, ये मैंने फर्स्ट स्टेप ली थी जिसे थोड़ा सा कर्व किया था और ये फेंका था, अब इसकी डिस्टेंस देखिए ये यहाँ जा रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप में मैं जैसे डालूं भैया तो थोड़ा आगे हो जाता कि आ जाओ और आ जाओ, तू
ही बोल दे सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बता दीजिए एक एक करके। सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक साथ बता दीजिए। ठीक है, मैं फर्स्ट स्टेप से बताता हूँ कि आपका गोला हर स्टेप में कैसे आगे बढ़ सकता है। तो मैं पहले गोल पहले बताऊंगा सर, हंस के ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप। आप ये लड़की आ रही है और लड़की का गोला देखते हैं कैसे क्या जा रहा है, इसने क्या सिखाया है। चलो स्टार्ट ये गलत तरीका, इसने फेंका गोले को इसलिए ये पूरा नहीं गया, इसने रिलीज नहीं किया, इसने बॉल की तरफ फेंक दिया इसलिए नहीं गया। दोस्तों यही है बेसिक स्टेप, अगर आप इन स्टेप पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका शॉर्ट पुट जो इवेंट है वो आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और आप फिजिकल में अपना इवेंट अच्छे से बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।